इस वक्त तस्वीरें हम आपको बताते चलें कि बड़गाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें आपको बताते चले कि ये तस्वीरें उनके परिवार की हैं और आपको बताते चले कि जम्मू में उनका परिवार इस समय मौजूद है। काफ़ी दुखों का पहाड़ जो है इस समय परिवार के अंदर टूटा है। हालांकि अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे थे और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि इस समय काफ़ी दुख का माहौल जो है परिवार के अंदर है और इस वक्त तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और काफ़ी दुखद खबर जो है इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे परिवार के अंदर जो है वह एक शोक की लहर दौड़ चुकी है। हालांकि जिक्र किया जाए माताजी का तो यहां पर रो रो कर बुरा हाल है और इस समय तस्वीरें हम आपको जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू के अंदर जो है पूरी तरह से केपी फैमिलीज़ का अगर जिक्र करते हैं तो इस समय दुख का पहाड़ जो है वो टूटा हुआ है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि लगातार परिवार के अंदर जो है और लगातार मिनोरिटीज़ को जो है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के अंदर जो है एक शोक की लहर है और परिवार इस समय एक दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। और तस्वीरें हम आपको जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू के अंदर जो है पूरा परिवार और जिसमें ताकि आज आतंकी हमला होता है उस आतंकी हमले में जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। हालांकि डॉक्टर्स पूरी तरह से कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की, मगर आपको बताते चले कि आज इस समय आप परिवार के अंदर जो है एक शोक की लहर जो है इस समय दौड़ी हुई है। और माता जी का अगर जिक्र करें तो रो रो का बुरा हाल है और यहाँ के उनके जो परिजन है वो यहाँ पर लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और परिवार का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें उनके परिवार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जो है मिनोरिटीज़ का जिक्र करते हैं तो लगातार कश्मीर घाटी के आए दिन जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और इस वक्त तस्वीरें लगातार परिवार से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार के अंदर शोक की लहर है और दुखों का पहाड़। इस समय अगर जिक्र किया जाए तो काफ़ी राहुल भट्ट जी का जिक्र करते हैं तो राहुल भट्ट अपनी काफ़ी समय से वहाँ पर सेवाएं दे रहे थे और इस वक्त आपको खबर बता दें कि पूरी तरह से दुखों का पहाड़ जो है वो टूट चुका हुआ है और रो रो के परिजन का जो है वो बुरा हाल है। और दुखों का पहाड़ यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे और उस बीच आतंकी हमला होता है। आज आतंकी हमले का अगर जिक्र करते हैं तो आतंकी हमले में वो बुरी तरह से घायल होते हैं। घायल होने के बाद जब उन्हें वहाँ के नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है तो नज़दीकी अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने पूरी तरह से कोशिश की और लगातार डॉक्टर्स जो है उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त वो जख्मों के ताप ना सहते हुए कह सकते हैं कि वीरगति को प्राप्त हुए। और आप तस्वीरें इस वक्त जम्मू से देख पा रहे हैं और जम्मू के अंदर जो है लगातार तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और माता जी हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि दुखों का पहाड़ जो है इसमें दुखों का पहाड़ पूरे परिवार के अंदर दुखों का पहाड़ जो है और लगातार तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हालांकि ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर आना तांता लगा हुआ है। और यहाँ के जिक्र करें तो तमाम लोग यहाँ पर आकर जो है अपने पूरी तरह से सद्भावना यहाँ पर रख रहे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त
चरणों से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि माता जी से भी बातचीत की जाए, मगर आप उनके परिजन यहाँ पर इस समय तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे परिजन यहाँ पर जो है इस समय आप देख पा रहे होंगे कि रो रो कर बुरा हाल है और एक दुखों का पहाड़ पूरे परिवार के अंदर। अगर राहुल जी का जिक्र करते हैं, राहुल भट्ट जी का जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर कार्यरत थे और उस बीच एक आज आतंकी हमले में जो है वो जख्मों के ताब ना सहते हुए अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार जाते हैं। और आप पूरे परिवार के अंदर देखें कि किस तरह से जो है शोक की लहर है और तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार तस्वीरें उनके परिजन से और इस आतंकी हमले के बीच जो है जख्मों के ताब ना सहते हुए राहुल भट्ट जी का जिक्र है और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तांता जो है वो लगा हुआ है। और जो इस वक्त हमने तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे परिवार के अंदर, हालांकि ये तस्वीरें आपको बताऊं, लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। और सर कितना दुख होता है कि लगातार इस तरह से टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, आप किस तरह से देखते हैं इनको, ये बताओ। देखिए काफ़ी दुख और बातचीत करने के माहौल में नहीं है और तस्वीरें हम पूरे परिवार की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि लोगों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तांता यहाँ पर लगा हुआ है और तस्वीरें हम इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार और यहाँ के जो उनके पड़ोसी हैं, सहयोगी हैं, वो लगातार यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और काफ़ी दुखों के पहाड़ में जो है आज जो है एक दुखद खबर जो है बड़गाम से सामने नज़र आई, जिसमें आपको बताते चले कि कार्यालय के बाहर इस तरह का एक हादसा देखने को मिला और उस हादसे में हम इस वक्त तस्वीरें उनके परिवार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त, हालांकि इस वक्त आप देख पा रहे हैं लगातार परिजन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक काफ़ी बड़ी दुखद खबर। और आप भी राहुल भट्ट जी के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को जो है वो ज़रूर शांति प्रदान करें। और ये आज की आपको बताते चले कि आज दोपहर में इस तरह का एक बड़ा हादसा होता है और बड़गाम का अगर जिक्र करते हैं, बड़गाम ज़िले के अंदर इस तरह से एक बार फिर से माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है और टारगेट में आप देख सकते हैं कि टारगेट करने के बाद यहाँ पर जो है, हालांकि उनकी बच्ची जो है, ये भी बताया जा रहा है कि उनकी एक छोटी बच्ची है जो अब पिताजी का इंतज़ार करेगी। और हालांकि तस्वीरें हालांकि उनकी एक छोटी बच्ची भी है जो इस वक्त आपको हम लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हालांकि छोटी बच्ची
वो भी राहुल जी की, कहा जाता है कि एक छोटी बच्ची भी थी, मगर आज वो अब पापा का इंतज़ार करेगी। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि हम इस वक्त लगातार कायराना हरकत करते हैं ये आतंकी, और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताता चले कि यहाँ पर ये तस्वीरें उनके परिजन की तस्वीरें हम आपको बताने की कोशिश, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर लगातार तांता, हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दुखद खबर जो है वो बड़गाम से सामने नज़र आती है, और जिसमें हम आपको इस वक्त तस्वीरें जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी दुखद खबर पूरे परिवार के लिए, और धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर आना जो है वो शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि परिजन जो है इस समय बात करने के माहौल में नहीं है, और पूरे परिवार के अंदर एक दुख और दुखों का पहाड़ जो है इस समय टूटा है। और आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर इस वक्त, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पूरा परिवार जो है, और आपने देखा कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और माताजी से भी हमने कोशिश की, और इस समय आप देख रहे हैं कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। उनकी छोटी बच्ची लगभग 3 वर्ष की बताई जा रही है, और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, और लोग जो है अंतिम दर्शन के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। हालांकि उनका पार्थिव शरीर जो है बताया जा रहा है कि कल सुबह यहाँ पर लाया जाएगा, मगर आज आप देखिए कि किस तरह से कायर आतंकी जो है पीठ पीछे वार करते हैं, और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस इन आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रही है। और कहीं ना कहीं इनकी ये बौखलाहट जो है वो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है, मगर जल्दी एक ऐसी अच्छी खबर देखने को मिलेगी। मगर आप देखेंगे कि उस आतंकी को ढूंढ निकाला जाएगा और मौत के घाट उतारा जाएगा। मगर ये एक दुखद खबर जो है इस वक्त जम्मू से हमने आपको बताई है, और आप लोग इस खबर को शेयर करना ना भूलें, और भगवान से प्रार्थना करें कि राहुल भट्ट जो है उनकी आत्मा को जो है वो शांति प्रदान, ज़रूर उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। तब तक के लिए आप बने रहें JK247 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद।